लोजपा में हुई दो फाड़ को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं सामने आई। चर्चाएं तो ये भी हुई कि कहीं ना कहीं पांच सांसद पशुपति पारस एक साथ हो गए और चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया। इसका पूरा श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। हालांकि उनकी पार्टी पर साथ ही साथ उनके गठबंधन दल के बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए गए कि आखिर जब जेडीयू इस तरह से प्लानिंग कर रही थी, खुद चिराग पासवान ने भी एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए इस बात की चर्चा की है कि जब जेडीयू इस तरह की प्लानिंग कर रही थी और कहीं ना कहीं बीजेपी को बखूबी इस बात का पता होगा ही, बावजूद उनकी तरफ से रोका टोका क्यों नहीं गया, क्यों मेरा साथ नहीं दिया गया। यहां तक कि चिराग पासवान ने ये तक कह दिया कि एक तरफा रिश्ता अब कितने दिन मैं रखूंगा, यानी कि एक तरफा प्यार मैं अब आगे नहीं कर सकता, यानी कि बीजेपी के साथ जो रिश्ते उनके पहले थे, खुद को उन्होंने पीएम मोदी का हनुमान बताया था, लेकिन अब ये रिश्ते में तकरार, इस रिश्ते में कड़वाहट यूं कहें तो आ गई है और यही वजह है कि चिराग पासवान ने इस तरह की बात सामने रखी है। लेकिन इस पूरी चर्चा पर अगर हम गौर फरमाएं तो ये इस बात साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी दोनों ही इसमें शामिल थी और उसके बाद लोजपा में टूट की खबर सामने आई है और लोजपा में दो फाड़ हो गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी प्लानिंग जेडीयू ने तो की ही थी, लेकिन भाजपा ने भी दिल्ली में बैठकर एक प्लानिंग की जिसके तहत लोजपा में ये संकट मंडराया है। ये तस्वीर चिराग पासवान के सामने आई है, वो पूरी प्लानिंग क्या थी हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। पशुपति कुमार पारस समेत लोक जनशक्ति पार्टी से निलंबित किए गए सभी पांच सांसद दो राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हो गए हैं। हालांकि दोनों ही राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन में हैं, बिहार की सरकार को चला रहे हैं, एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि जेडीयू और बीजेपी है। एलजेपी से चिराग पासवान के चाचा और हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस और इन्हें समर्थन देने वाले बाकी चार सांसदों को तोड़ने के लिए जेडीयू के नेताओं ने कड़ी मेहनत की। जाति आधार से लेकर कई तरह के समीकरण बनाए गए, इनके बीच आपसी डील भी हुई। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही एलजेपी को तोड़ने के लिए जेडीयू नेताओं ने जबरदस्त फील्डिंग की। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर जेडीयू के कुछ बड़े नेता इस कदर मुस्तैद हो गए थे कि कोई कुछ भी करे, पशुपति कुमार पारस और उनके समर्थक सांसदों की गेंद बाउंड्री पार के पास नहीं चल जाए। इसके लिए कई स्तर पर बिहार से लेकर दिल्ली तक कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। नेताओं की टीम हर पल एलजेपी के बागियों के मूवमेंट पर नजर रख रही थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में 39 पर एनडीए का कब्जा है। इसमें 17 सांसद बीजेपी के हैं, जबकि सहयोगी जेडीयू के पास 16 सांसद हैं। वहीं एलजेपी के 6 सांसदों ने उस वक्त चुनाव जीता था 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में, जब चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी अकेले मैदान में उतरी तो नुकसान सबसे अधिक जेडीयू को हुआ। बीजेपी की तुलना में उसकी सीटें काफी कम आई, बीजेपी को 73 तो जेडीयू को मात्र 43 सीटें ही मिली। एलजेपी की वजह से 28 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। बावजूद इसके बिहार में सरकार एनडीए गठबंधन की ही बनी, मगर इसके बाद भी समय समय पर बीजेपी और जेडीयू के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स होते रही। अंदर ही अंदर दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर दबाव बनाने में लगे रहे। जेडीयू की स्ट्रैटेजी ये थी कि एलजेपी की वजह से जो नुकसान विधानसभा चुनाव में हुआ उसकी भरपाई वो एलजेपी के बागी सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर पूरी करेंगे, जिससे लोकसभा के अंदर बीजेपी की तुलना में उनका वर्चस्व बढ़ेगा। उसके 16 और एलजेपी के बागी 5 सांसदों को मिलाकर लोकसभा में इसके कुल सांसदों की संख्या 21 हो जाएगी। इस वजह से संसद में उसका दबदबा भी बना रहेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सबसे पहले सांसद महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह, प्रिंस राज, बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह के साथ एक गोपनीय मीटिंग की गई। फिर पशुपति कुमार पारस को एलजेपी के संसदीय दल का नेता बनाए जाने का एक लेटर सभी बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंच गए थे। हुआ वही जो बीजेपी चाहती थी, आनन फानन में लोकसभा अध्यक्ष ने पशुपति कुमार पारस को एलजेपी के संसदीय दल का नेता मान लिया। इस तरह से बीजेपी ने जेडीयू के प्रेशर पॉलिटिक्स के खेल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के बीच पशुपति कुमार पारस और उनके समर्थन वाले सांसद एक मोहरा बनकर रह गए, क्योंकि दूसरी तरफ चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो बागियों से पार्टी को बचाने के लिए राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।